आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉन इंडिया में। और आज हम आपको बताएंगे भारतीय रेलवे का बिल्कुल नया ऐप रेल सारथी, जो हम अभी गूगल प्ले स्टोर में है। आप सर्च करिए रेल सारथी, रेल SARTHI, रेल सारथी, फर्स्ट रेल सारथी हम डाउनलोड करेंगे। हमने अपने फ़ोन में से पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो आप इंस्टॉल करिए और ओपन करिए। आप रेल सारथी ऐप ओपन करेंगे तो आपको ये पहले लॉगिन आईडी पूछेगा, तो आपको वही लॉगिन आईडी यूज़ करना है जो आप IRCTC की वेबसाइट पे यूज़ करते हैं या IRCTC की ऐप पे यूज़ करते हैं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र नहीं है तो आप अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हैं सबसे नीचे दिए गए ऑप्शन रजिस्टर पे क्लिक करके। आपको ये पूछेगा कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं अनरिजर्व टिकटिंग के लिए या रिजर्व टिकटिंग के लिए, तो दोस्तों रिजर्व टिकटिंग पे क्लिक करिए, बिकॉज रिजर्व टिकटिंग से ही हमें स्लीपर और AC क्लास के टिकट्स मिल पाएंगे। देन ओके, सो इट इज सेइंग दैट ऐप इज़ नॉट इंस्टॉल, प्लीज़ इंस्टॉल। सो इसके बारे में हम आपको फिर से बताते हैं। फर्स्ट हम हमारे जो ऑलरेडी यूज़र आईडी है IRCTC के, उससे लॉगिन करेंगे। फिर आपको ये पिन, 4 डिजिट पिन पूछेगा, तो आप कोई भी अपने मन से 4 डिजिट पिन चूज़ कर लीजिए और एंटर करिए। तो ये नोटिफिकेशन देता है कि आपको इसे फ्यूचर यूज़ के लिए याद रखना है। दोस्तों ये नया फीचर आया है IRCTC की ऐप्स में, आप फ्यूचर लॉगिन सिर्फ पिन की सहायता से कर सकते हैं और आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड याद रखने की आवश्यकता नहीं। तो लॉगिन करने के बाद रेल सारथी ऐप कुछ इस तरह का दिखेगा। फर्स्ट ऑप्शन है टिकटिंग का, सेकंड इंक्वायरी, थर्ड एफिलिएटेड सर्विसेज एंड फोर्थ इज फीडबैक। सो फर्स्ट टिकटिंग ऑप्शंस में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको लेके जाता है रिजर्व टिकटिंग एंड IRCTC इंस्टॉल, अनरिजर्व टिकटिंग UTS इंस्टॉल। दोस्तों IRCTC की ये ऐप एक ऑल इन वन ऐप है, इसमें IRCTC ने आपको दूसरी ऐप्स के लिंक दिए हैं, तो आप सिर्फ ये ऐप इंस्टॉल करके काम नहीं चलेगा और आपको दूसरी ऐप्स भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो आप हमारा अगला वीडियो देखिए जिसमें हम IRCTC रिजर्व टिकटिंग के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो हम बैक में आएंगे, सेकंड ऑप्शन है इंक्वायरी। दोस्तों इंक्वायरी में फर्स्ट इंक्वायरी आप कर सकते हैं सीट अवेलेबिलिटी के लिए, सेकंड फेयर इंक्वायरी, थर्ड ट्रेन रनिंग स्टेटस। दोस्तों ये NTES की ऑलरेडी जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल ऐप है उसको इंस्टॉल करने के लिए पूछेगा, तो ये जानकारी भी हमारे अगले वीडियो में हमने अलग से दी है पूरी। और फोर्थ ऑप्शन है PNR इंक्वायरी। तो दोस्तों बिना किसी दूसरी ऐप को इंस्टॉल किए अगर आपको इसे यूज़ करना है तो ये सिर्फ आपको 3 ऑप्शन देता है। फर्स्ट वन इज सीट अवेलेबिलिटी, अगर आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपको तुरंत लेके जाएगा इंडियन रेलवेज पैसेंजर रिजर्वेशन इंक्वायरी, जो जनरली हम indianrail.gov.in पे लॉगिन करके चेक करते हैं, हम ऐसे बैठ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है फेयर इंक्वायरी, अगर आप ओपन करेंगे तो आपको फेयर इंक्वायरी जो indianrailway.gov.in के पेज पे लेके जाएगा। आपको ट्रेन नंबर डालना है, डे एंड मंथ, सोर्स स्टेशन कोड, डेस्टिनेशन कोड, क्लास, एज, कोटा, कंसेशन, सारी जानकारी आपको डालनी पड़ेगी। अगर आप गेट फेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको पर्टिकुलर ट्रेन के लगने वाले टिकट की कीमत पता लग जाएगी। थर्ड ऑप्शन हमने हमारी अगली वीडियो में दिया है। फोर्थ ऑप्शन PNR इंक्वायरी, आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इंडियन रेलवे इंक्वायरी के PNR स्टेटस वाले पेज पे लेके जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास पहले से ही कोई रिजर्व टिकट है जिसमें PNR नंबर उपलब्ध है तो आप PNR नंबर को यहाँ एंटर कर सकते हैं और सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको उस PNR नंबर के टिकट की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो ये चारों ऑप्शन है इंक्वायरी मेन्यू में। थर्ड मेन्यू है एफिलिएटेड सर्विसेज। एफिलिएटेड सर्विसेज में एयर टिकट बुकिंग कर सकते हैं आप, जिसके लिए आपको अलग से एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। फूड ऑन ट्रैक, आजकल IRCTC ट्रेन में सफ़र करते करते आप अगले आने वाले स्टेशन से टिकट फूड बुक करा सकते हैं ऑनलाइन, जिसके लिए आपको अलग से ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। टूर बुकिंग के लिए आपको अलग से ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। और फोर्थ ऑप्शन है बुक रिटायरिंग रूम। सो दोस्तों उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको रिटायरिंग रूम वाले IRCTC के पेज पे लेके जाएगा। अभी कुछ एरर की वजह से ये ओपन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों फोर्थ ऑप्शन है आपका फीडबैक, आप क्लिक करेंगे तो आपको ये कंप्लेंट एंड सजेशन की जो ऐप है IRCTC की वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। क्लीन माई कोच कोच मित्र आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एंड फीडबैक ऑन ट्विटर आप डायरेक्ट अपनी इस ऐप से दे सकते हैं। तो दोस्तों ये ऐप और कुछ भी नहीं लेकिन IRCTC की ऑलरेडी जारी की गई ऐप्स के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो इस ऐप के सहारे आप दूसरे जो IRCTC के कंपोनेंट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो IRCTC ने थोड़ा सा आसान कर दिया है अपने कस्टमर्स के लिए कि उन्हें अलग अलग ऐप्स की अगर जानकारी नहीं है तो वो इस एक ऐप डाउनलोड करके यहाँ से सारी ऐप डाउनलोड करते हैं। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं, रिजर्व टिकटिंग IRCTC, अगर आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बोलेगा कि ऐप इज़ नॉट इंस्टॉल, प्लीज़ इंस्टॉल। इफ़ यू क्लिक ओके तो आपको IRCTC रेल कनेक्ट फॉर रेल सारथी, ये स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट बनाया है, तो आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं
और आप इंस्टॉल पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको ऑटोमेटिकली गूगल प्ले स्टोर पर लेके जाएगा। तो दोस्तों ये डाउनलोड हो रहा है, तो दोस्तों इस तरह आप एक एक करके जहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन दिया गया है रेल सारथी ऐप में, आप सारी ऐप्स एक एक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, IRCTC रेल कनेक्ट फॉर रेल सारथी आपको सिर्फ अनइंस्टॉल का ऑप्शन देता है, ओपन का ऑप्शन नहीं देता है, जिसके लिए आपको बैक जाना पड़ेगा। और रेल सारथी ऐप में हमने अभी रिजर्व टिकटिंग ऐप डाउनलोड करी है, इसी तरह आप सारी ऐप जहाँ पर इंस्टॉल आता है आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप IRCTC रिजर्व टिकटिंग ओपन करेंगे, आपको कुछ परमिशंस देनी पड़ेंगी, अलाउ करना पड़ेगा आपको, उस तरह आपका यूज़र वेरीफाई प्रोसेस करेंगे। और देखिए हम IRCTC की रेल कनेक्ट ऐप पे आ चुके हैं और इसके ज़रिए हम टिकट्स भी बुक कर सकते हैं, जो हमने हमारे सेपरेट वीडियो में बताया है। तो हम इसे बंद करेंगे, यहाँ से बैक जाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की और वीडियोज़ देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और IRCTC की और दूसरी ऐप की जानकारी के लिए हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देखें। थैंक यू।